पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के विनोद नगर स्थित जन रसोई में खाना खाकर घर जा रहे बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय दिनेश के तौर पर हुई है। चश्मदीदों ने बताया कि दिनेश पास के ही झुग्गी बस्ती का रहने वाला था। शनिवार दोपहर वो खाना खाने के लिए गौतम गंभीर के जन रसोई में गया था। खाना खाने के बाद जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था, इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जन रसोई में काफी संख्या में लोग खाना खाने के लिए आते हैं। खाने वालों की सड़कों पर लाइन लग जाती है, जिसकी वजह से इस सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। आज यहाँ दोपहर में एक गाड़ी वाला यहाँ एक हमारे बुजुर्ग रहते हैं यहाँ सामने झुग्गियों में, और हमारे सांसद जी हैं गौतम गंभीर जी, इन्होंने यहाँ पर सामने जन रसोई खोल रखी है। तो ये सारे जो ये झुग्गी वाले लोग हैं, सारे लोग अधिकतर जो भी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो खाना लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो आज भी की रोज़ की तरह रोज वो भी यहाँ खाना लेने आ रहे थे, तो लाइन बहुत लंबी थी और यहाँ भीड़ रह हो जाती है उस टाइम पर खाना बांटने के टाइम पर। तो एक गाड़ी वाला आया है और गाड़ी वाले ने ये बुजुर्ग अंकल ये गिर गए थे नीचे, और गाड़ी अपने उसके ऊपर चढ़ाते हुए उसको ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई है, और गाड़ी वाला भाग गया। आगे जाके फिर लोगों ने उन्हें पकड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है जी। रोहित जी, आज जो हादसा हुआ है क्या कारण है? क्यों जी? कारण ये है कि खाना मिलता है, 1 रुपये में थाली मिलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लोग बाग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, यहाँ के भी लेते हैं। इस रसोई का गेट कृपया करके बैक साइड से कर दें, और यहाँ लोग बाग विनोद नगर के अंदर के भी और गली के भी और अपोजिट साइड से भी लोग गाड़ियाँ लगा के जाते हैं। रसोई से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत है लोकल एरिया। आप देख रहे होंगे ये सारा हमारा झुग्गी कॉलोनी है, तो झुग्गियों के ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि ये पार्क है और पार्क के साथ में ही रसोई खुली हुई है, तो बच्चों का रहता है घर मिले लेकिन यहाँ मिल रहे हैं तो वो आएंगे ही आएंगे। ये आज बड़े के साथ हादसा हुआ है, कल छोटे के साथ भी हो सकता है। तो रसोई से दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपने रसोई खोली है, पहली बात कि यहाँ कूड़ेदान था, ठीक है, उसको हटा करके आपने रसोई खोल दी। आप इधर देख सकते हैं बैक साइड में पूरा कूड़ा रोड पर पड़ा हुआ है, ये रोड है, रोड के ऊपर पूरा आधा तो वैसे घिरा हुआ है। तो ठीक है, आप रसोई आपने यहाँ खोली है तो इसका गेट आप दूसरे साइड में कर दें, ताकि यहाँ के बच्चों को और यहाँ की पब्लिक को ये सुविधा रहे। आपको बता दें कि गौतम गंभीर की तरफ से क्षेत्र के अलग अलग इलाके में जन रसोई खोली गई है। इस जन रसोई में 1 रुपये प्रति प्लेट खाना मिलता है। ईस्ट विनोद नगर में जन रसोई पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बंद पड़े ढलाव घर में खोली गई है।